गुड मॉर्निंग बच्चों, जय गुरुदेव। मेरा नाम जोगेश्वर ठाकुर है और मैं आप लोगों का हिंदी टीचर हूँ। बच्चों, आज हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम क्या करेंगे, पिछले क्लास में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। यस, तो बच्चों पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेखन विधि। यस, तो हमारी साथी टीचर नम्रता मैम ने आप लोगों को लेखन विधि पढ़ाया। यस, अच्छा लेखन विधि है क्या बताइए। सुंदर राइटिंग। यस, लेखन विधि में हम क्या सीखते हैं, सुंदर राइटिंग लिखने सीखते हैं। यस, तो बच्चों आप अपनी हिंदी नोटबुक के लिए कौन से लाइन वाली कॉपी का प्रयोग कर रहे हैं, दो लाइन वाली कॉपी। यस, तो दो लाइन वाली कॉपी में आपको लिखना कैसे है, कैसे लिखेंगे, चलिए मैं एक बार बताता हूं। जैसे कि आपके कॉपी में इस तरह से दो लाइन है, दोनों लाइन के बीचों बीच आपको लिखना कैसे है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई भी शब्द लिखते हैं, मनोरंजन, मनोरंजन एक शब्द है, प्रॉपर दोनों लाइन को टच करते हुए सही जगह में मात्रा लगाते हुए सभी वर्ण को बराबर छोटा बड़ा लें, इस तरह से हम लिखते हैं मनोरंजन। सुंदर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को। यह आपको भी अपनी कॉपी में इसी तरह से प्रॉपर लाइन के साथ में सुंदर अक्षर में लिखना है। जो भी वर्ण लिखते हैं, जो भी शब्द या वाक्य लिखते हैं या अनुच्छेद लिखते हैं, सुंदर अक्षरों के साथ में लिखना है, ताकि आपकी कोई कॉपी देखे, नोटबुक देखे तो कहे कि वाह कितना सुंदर अक्षर है, कितना सुंदर राइटिंग है। यस बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया, अंडरस्टूड। यस, तो आगे से आप जब भी नोटबुक लिखेंगे तो सुंदर अक्षरों के साथ में प्रॉपर लाइन को टच करते हुए सुंदर वर्णों के साथ में लिखेंगे। यस, मान लीजिए इसी को हम बिना सीक्वेंस में लिखते हैं। ना ऊपर की लाइन सीधी है और ना ही वर्ण बराबर है, छोटा बड़ा और मात्रा भी सही जगह पे। क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको जो अच्छा लग रहा है वैसे आपको लिखना है। यस, ये आपके लिखने की तरीका या कला है, लेखन विधि एक विधि है लिखने का, आपको इस विधि को अपनाना है। ओके बच्चों, क्लियर है। यस, तो आइए हम अपने कोर्स बुक में देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए अब हम कोर्स बुक के पार्ट एक लेखन विधि पेज नंबर 80 में देखते हैं। बच्चों, आप लोगों को लेखन विधि समझाया गया, लेखन विधि पढ़ाया गया, तो बच्चों आप लोगों को लेखन विधि समझ में आ गया, क्लियर है। ओके बच्चों, लेखन विधि क्या है, लेखन विधि सुंदर लिखने का तरीका है। जैसे कि सुंदर लेखन व्यक्तित्व का क्या है, आईना है। यस, और मोती जैसे सुंदर अक्षर सबका मन मोह लेता है। यस या नो। यस, तो बच्चों वैसे ही आप लोगों को शुद्ध और सुंदर लिखावट करनी है। यस, अपनी लेखन विधि को अभ्यास करना है, वर्णों को सही आकृति और वर्तनी में लिखना है। ओके, तो बच्चों आइए अब हम अपने बुक में देखते हैं किस तरह से लेखन विधि करनी है। बच्चों आपको अपने बुक पेज नंबर 8080 में दिख रहा होगा शब्दों का सुंदर लेखन, शब्दों का सुंदर लेखन। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे एकाकी, बहुचक्का, सैया, स्मृतियाँ, ऋष्या, प्रयोजन, सृष्टा, निर्देशक, अद्भुत। बच्चों क्या आप देख रहे हैं, जो शब्द है
दोनों दो लाइन के बीच में लिखी हुई है। बच्चों जो शब्द लिखा हुआ है उसमें सभी वर्ण बराबर दिख रहे हैं, ना छोटा बड़ा है ना आगे पीछे, लाइन भी सीधी है और मात्रा भी सही जगह पर लगा हुआ है। तो बच्चों आपको भी इसी प्रक्रिया के साथ ऐसे ही दो लाइनों के बीच वर्णों को क्रमबद्ध से लिखना है और सुंदर शब्दों में लिखना है, सुंदर वाक्यों में परिवर्तन करना है और सुंदर अनुच्छेद में लिखना है। तो बच्चों जैसे कि आपके बुक में दिख रहा है दो लाइन के बीचों बीच शब्दों को लिखा गया है, दो लाइन के बीचों बीच वाक्यों को लिखा गया है, उसी तरह से आपको भी अपने लेखन विधि में परिवर्तन करना है, शुद्ध और सुंदर लिखावट करनी है। तो बच्चों आपको लेखन विधि क्लियर हो गया, समझ में आ गया? देखिए वाक्यों का सुंदर लेखन यहाँ पे दिया है, शिकारी जंगल की ओर चला जा रहा था। कितना सुंदर अक्षरों में, सुंदर शब्दों में वाक्य को लिखा गया है। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से सुंदर शब्दों सुंदर वाक्यों में लिखना है अपनी कॉपी में। बच्चों आइए इधर देखिए अनुच्छेद का सुंदर लेखन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस संसार में प्रत्येक कार्य के दो रूप होते हैं, संस्कृति और विकृति। किसी भी कार्य को सुंदर तथा व्यवस्थित रूप से करना संस्कृति और उसको खराब तथा अव्यवस्थित रूप से करना ही विकृति है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है ये लाइनें, पैराग्राफ, ये अनुच्छेद कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको भी इसी सुंदर अक्षरों के साथ में अपनी कॉपी में लिखना है इसी तरह से, इसीलिए आप लोगों को दो लाइनें वाली कॉपी प्रयोग करने को कहा गया है। तो बच्चों लेखन विधि आपको क्लियर है, समझ में आ गया? ओके बच्चों, धन्यवाद, जय गुरुदेव।